तो भैया आ गए हैं हम लोग यहाँ पे। भूख बहुत तेज़ लग रही थी, हमें खाना वाना सब खा लिया है। खाने का हमने कुछ दिखाया नहीं, शूट नहीं किया क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। सुबह के उठे हुए थे, 2 महीने बाद राइड कर रहे हैं हम लोग। 3 बंदों ने एंगल खराब हो गया, वाइड एंगल। निकल वाला कैमरा लेना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। वाइड 4 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे पूरे सेटअप पे। सोनी ले लो। तो फाइनली भाई ने तो बोल ही दिया था, तो दोबारा से हम टेक ले रहे हैं इस शॉट का, लेना ही पड़ता है दोबारा से। सो हुआ क्या है, अभी हम लोग राइड के लिए आए थे सुबह, भूख बहुत तेज़ लग रही थी, हमने सब कुछ खा पी के फिर आपसे बातें कर रहे हैं क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ा अच्छा मौसम हो गया है। सो आने में भी ठंडा लगा हमें और बढ़िया लगा, और भाई ने तो जैकेट भी नहीं पहन रखी आज, पूरे मस्ती के मूड बनाने का। थोड़ा ठंडी ठंडी हवा लगी भाई, थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा आप दोनों को, मैं थोड़ा पास हूँ दोनों दूर हो ना, तो थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा। हेलो। तो सीन क्या है, आज है मेरी लास्ट राइड, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा। तो लास्ट राइड क्यों है ये दोनों बताएंगे उसके बारे में। सो लास्ट राइड है मेरी क्योंकि नवंबर में क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है नवंबर में? सस्पेंस है भाई, सस्पेंस है। अभी नहीं बता दे क्या? ना ना, थोड़ा सा हिंट तो दे दिया था शाश्वत ने। हिंट मैंने दे दिया है अपने पुराने ब्लॉग में, मैंने हिंट दे दिया है, लेकिन चलो बता दे। हमारा भाई थोड़ा शहीद होने जा रहा है, बकरा हलाल हो रहा है, और भाई को भाई से प्रोटिप्स भी मिल गई है थोड़ी सी, हलाल होने के बाद की जो प्रोटिप्स होती है। सो जो थोड़ी बहुत बातें इन लोगों ने बता दी है और मैंने पुराने ब्लॉग में बता दिया है। सो भाई हो क्या रहा है, नवंबर में आई एम गेटिंग मैरिड। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे बोल दो मेरे डिस्क्रिप्शन में, नहीं मेरे कमेंट बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेशन से भर दो मेरा पूरा कमेंट बॉक्स। जो जो मेरे को देखता है उसको तो पहले से ही पता होगा कि आई एम गेटिंग मैरिड इन द मंथ ऑफ नवंबर, और डेट मैं भी डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि और भी ब्लॉग्स आने वाले हैं वेरी सून। राइडिंग ब्लॉग और नहीं आएगा, बट जल्दी नहीं आने वाला, एटलीस्ट 3-4 महीने के राइडिंग ब्लॉग नहीं आने वाला है। शादी वाले ब्लॉग आएंगे। हाँ, वेडिंग ब्लॉग आ सकता है, वेडिंग ब्लॉग के साथ भाभी जी के साथ मैं स्टेज पे दिखूंगा, मतलब मेरी भाभी जी नहीं, आप लोग भाभी जी के साथ मैं स्टेज पे दिखूंगा आप लोगों को। और वो ब्लॉग मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, ये लोग और मेरे और दोस्त सब लोग शूट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा, तो मैं सबको कंपाइल करके एक अच्छा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा जिससे हमारी एक अच्छी मेमोरी क्रिएट हो जाए, मेरी एक अच्छी मेमोरी क्रिएट हो जाए, और मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि एक्चुअली मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। सो और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना सस्पेंस खोल देते हैं वीडियो में, जैसे भाई ने बोला हमने सस्पेंस खोल दिया। जैसे लोग क्या करते हैं आजकल, क्लिक बेट वीडियो बनाते हैं पूरा का पूरा, वो लोग करते क्या है, पूरी बात करते हैं बताते हैं 15 मिनट की वीडियो बना के, उसके बाद फिर भी सस्पेंस तो सस्पेंस ही रह जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए रख देते हैं वो, जैसा कि जो लोग देखते हैं कुछ अच्छे की बीप करवाते हैं। जो लोग कुछ फेमस यूट्यूबर्स को देखते हैं ना, उन लोगों को पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हायाबूसा से रिलेटेड कुछ ये व्लॉग है, जो लोगों को पता होगा जो लोग देख रहे हैं। सो 3-4 महीने तक अभी कोई राइड नहीं होने वाली है, व्लॉग्स आएंगे बीच में, मैं घूमने फिरने जाऊंगा, बहुत कुछ होगा, और मैं अभी अगले 1 महीने में भी व्लॉग्स करूंगा, अच्छे व्लॉग करूंगा। सो बट राइड के व्लॉग नहीं होंगे एटलीस्ट फॉर 4 मंथ्स, फेब या मार्च में जाके व्लॉग कर पाऊंगा। सो और मेरी वाइफ भी ये व्लॉग देख लेगी, वाइफ या वुड बी वाइफ कहेंगे या फियांसे कहेंगे, जो भी है वो व्लॉग ज़रूर देखेगी, और देख के पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि वैसे तो जब मैं राइड पर जाता हूँ मुझे रोकती नहीं है, बट जब हम साथ में होंगे तब तो आई थिंक होगी वो मुझे रोकेगी ज़रूर। और उसके बाद ग्रुप राइड्स अच्छी हो जाएंगी, भाई अपनी वाइफ ले आएगा, मैं अपनी वाइफ ले आऊँगा, और भाई अपनी गर्लफ्रेंड ले आएगा, पता नहीं मुझे क्या ले आएगा, सिंगल ही आ जाऊँगा। तो ऐसे ही कुछ होने वाला है, पिलियन राइडर आ जाएगा मेरे साथ एक और, भाई अपनी बाइक ले आएगा। हाँ भाई अपनी बाइक ले आएगा। सो ऐसे ही कुछ होने वाला है, और अभी मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब भी होता है वो 3-4 महीने बाद। तो भाई take 3 लेते हुए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और हम आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो टिल देन ईट वेल, स्लीप वेल एंड राइड सेफ, आर डियर फ्रेंड्स, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर। इसमें तो आ ही जाएगा आराम है ना, इसमें कहाँ 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 वहाँ का नहीं आएगा भाई, मैं देख रहा हूँ क्या आ रहा है था। थोड़ा सा और इधर घुमाना पड़ेगा।